नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। भाजपा के शासनकाल में ज्यादातर जांच पड़ताल की कार्रवाई ईडी कर रहा है। ईडी का पूरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। देश में अक्सर ईडी की चर्चा होती रहती है। आपको बता दें कि ईडी एक ऐसा विभाग या एजेंसी है जो अवैध संपत्ति, विदेशी संपत्ति के साथ साथ देश में जब भी कोई घोटाला होता है या फिर आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्री, काला धन का मामला सामने आता है, तब उसकी जांच ईडी करता है। यही वजह है कि अक्सर ईडी का नाम चर्चा में रहता है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। इसके 5 मुख्य कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित हैं। ईडी केंद्र सरकार के अधीन सरकारी संस्था है, जिसके द्वारा देश में भ्रष्टाचार को मिटाने पर कार्य किया जाता है। ईडी गैर संवैधानिक संस्था है। ईडी के अंतर्गत काम करने वाले सभी अधिकारियों का चयन आईएएस आईपीएस अधिकारी लाइन के आधार पर ही किया जाता है। ईडी जिस अधिनियम के अंतर्गत काम करता है उसे फेरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1 जून 2000 को फेमा भी लागू कर दिया गया था। कुछ समय बाद फेमा से संबंधित सभी मामले भी ईडी के अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए। वर्तमान समय में ईडी फेरा और फेमा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करता है। ईडी को भारत सरकार की सभी तरह की फाइनेंशियली जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा ईडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत उल्लंघन से निपटने की भी पूरी छूट प्राप्त है। इसके साथ साथ ईडी को विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्यवाही करके रोकथाम करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ईडी देश में भ्रष्टाचार कम करने में काफी योगदान प्राप्त करती है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यह मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन से जुड़े गंभीर मामलों में इन्वॉल्व दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करके उसे कानून के हवाले करती है। कुछ समय पूर्व होने वाले बड़े बड़े घोटालों की छानबीन या छापेमारी में हर जगह सीबीआई नजर आती थी, लेकिन पिछले 4 वर्षों में सीबीआई बैकग्राउंड में चली गई और उसकी ईडी ने लेकिन पिछले 4 वर्षों में सीबीआई बैकग्राउंड में चली गई और उसकी जगह ईडी ने ले ली। पिछले 3-4 साल में ईडी का दायरा इतना अधिक बढ़ गया कि हर बड़े घोटाले का खुलासा अब ईडी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती से जुड़ी शक्तियों को कायम रखा है। कोर्ट में साफ कहा कि गिरफ्तारी के लिए ईडी को आधार बताना जरूरी नहीं है। ईडी बिना पेपर के सिर्फ वजह बताकर अरेस्ट कर सकती है। ईडी पर आरोप भी लगता है कि कई कड़े प्रावधानों जैसे कि जमानत की कड़ी शर्तें, गिरफ्तारी के आधारों की सूचना ना देना, एफआईआर की कॉपी दिए बिना अरेस्टिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषा, जांच के दौरान आरोपी की ओर से दिए गए बयान, ट्रायल में बतौर सबूत मानने आदि का ईडी एजेंसी दुरुपयोग करती है। यही वजह है कि ईडी चर्चा का विषय बनी रहती है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके सामने। नमस्कार।